Hello beautiful people, welcome back to my channel again. So here I am today presenting Diwali makeup look. जी हाँ, so Diwali आने वाली है, only 2 days are left. So और ये video बनानी तो बनती ही थी, और बहुत ही simple steps के साथ मैंने ये look create किया है. और अगर आपको video पसंद आए तो please कीजिए like, कमेंट और सब्सक्राइब, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा लुक ऑन दिवाली क्रिएट करना है. एंड ऑल्सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू यू ऑल एंड योर फैमिली. खुशियों के दिए जलाएं और खुशियां सब में बांटें. नाउ स्टार्ट करते हैं मेकअप. सो फर्स्ट हियर आई एम यूजिंग बायोटिक ब्राइटनिंग क्रीम फॉर स्पेशली ड्राई स्किन. या आई हैव अ ड्राई स्किन एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सफर इन विंटर, सो दिस क्रीम इज परफेक्ट फॉर मी. उसके बाद यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लिप बाम ऑन माई लिप्स फ्रॉम ब्रांड शुगर, वेरी नाइस लिप बाम. आई एम यूजिंग प्राइमर फर्स्ट ऑन माई फेस, प्राइमर फ्रॉम स्विस ब्यूटी हाईलाइटिंग प्राइमर, ब्राइटन स्किन एंड मॉडिफाइंग पोर्स. यस, ये बहुत अच्छे से काम करता है, पोर्स को ब्लर कर देता है, विच वी रियली वॉन्ट इन मेकअप. सो आफ्टर दैट हेयर आई एम यूजिंग फाउंडेशन फ्रॉम फिट मी मेबलिन इन द शेड 228. डॉट डॉट करके मैंने फेस पर अप्लाई किया है, और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से उसको ब्लेंड कर रही हूँ फेस पर. यू कैन सी कि ब्लेंडिंग बहुत इजी हो जाती है. फिट मी फाउंडेशन इतने अच्छे होते हैं कि ब्लेंड करना काफ़ी इजी हो जाता है. आफ्टर फाउंडेशन मुझे अपने फाउंडेशन को लॉक करना, लॉक करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर प्लस मैट प्लस पोरलेस पाउडर विद 24-28 SPF PA++++. वाओ. सो ये दिन, अगर आप दिन में यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी बेस्ट है, अगर आप नाइट में यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी बेस्ट है. सो अपने फेस फाउंडेशन को लॉक करने के बाद हेयर टाइम फॉर मेकिंग आईब्रोज. सो आईब्रोज के लिए मैं सेम स्विस ब्यूटी की आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ. फॉर मेकिंग आईब्रोज यहाँ मैंने डार्क ब्राउन कलर पिक किया. अगर आपके आईब्रोज ब्लैक है तो प्लीज़ पिक डार्क ब्राउन कलर और ब्राउन कलर, सो आईब्रोज आर्टिफिशियल नहीं लगती है. और उसके बाद यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का मस्कारा ले रही हूँ, मस्कारा अपनी आईब्रोज पर लगा रही हूँ फॉर मेकिंग अ नेचुरल लुक. सो नाउ स्टार्ट करते हैं आई मेकअप. सो आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन कुर्ता वेयर किया है, और कैमरे में व्हाइट लग रहा है बट इट इज़ लाइट ग्रीन. सो यहाँ मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट ली है, वहाँ से उससे मैंने ग्रीन कलर पिक किया, और ब्रश की हेल्प से, फ्लैटर ब्रश की हेल्प से मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ. यू कैन सी आई एम ओनली अप्लाइंग लाइट ग्रीन कलर ऑन माई आईलिड एरिया एंड लाइट ब्राउन कलर ऑन माई ट्रांजिट एरिया. सो आई विल गेट दी शेड. इफ यू डोंट नो विच इज आईलिड एरिया, ट्रांजिट एरिया, इनर कॉर्नर्स, आउटर कॉर्नर, सो लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस. सो आफ्टर दैट हेयर आई एम यूजिंग ग्रीन आईलाइनर, या नॉट ब्लैक आईलाइनर. ये लुक थोड़ा सा डिफरेंट करना था यार, सो इसमें ग्रीन आईलाइनर ही बहुत प्यारा लग रहा है. आफ्टर अप्लाइंग ग्रीन आईलाइनर हेयर आई एम अप्लाइंग मस्कारा ऑन माई आईलैशेज, हाइपोकोल मस्कारा वाटर प्रूफ फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क. यस, सो उसके बाद यहाँ पर मैंने आईलैशेज अप्लाई करी है, फॉल्सेज अप्लाई करी है. सो यू नो इफ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर द फॉल्सेज, इफ यू डोंट वॉन्ट यू कैन ओनली गो फॉर द मस्कारा. सो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग एंड बाय बेक काजल. या आई लव दिस काजल बिकॉज दिस इज सो बटरी एंड सॉफ्ट. काजल इज वेरी इजली अप्लाई ऑन योर वाटरलाइन एरिया. सो हेयर आई एम यूजिंग मिस रोज प्रोफेशनल मेकअप ब्लश पैलेट. सो हेयर आई एम पिकिंग लाइट पिंक कलर फ्रॉम द पैलेट एंड अप्लाइंग ऑन माई चिक्स. और जब भी ब्लश अप्लाई करना है प्लीज स्माइल, विल ऑटोमेटिकली अप्लाई ऑन द राइट एरिया. सो हेयर आई एम गोइंग टू अप्लाई हाईलाइटर फ्रॉम ब्लू हेवन. यू नो ब्लू हेवन के प्रोडक्ट कैसे भी हो लेकिन उनकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. सो हाँ, मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज इस दिवाली है, थोड़ा सा तो शाइन बनता है. तो हेयर आई एम अप्लाइंग मेकअप फिक्सर बाय स्विस ब्यूटी विद विटामिन ए एंड एलोवेरा. और आप इजीली, अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फेस स्किन पे लगा सकते हैं. हेयर यू कैन सी शाइन ऑन माई फेस आफ्टर मेकअप फिक्सर. मेकअप फिक्सर आपके फेस पे एक हल्की सी शाइन देता है, विच इज़ रियली नाइस एंड आई लव स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर. सो हेयर आई एम गोइंग टू अप्लाई लिपस्टिक by Swiss Beauty in the shade 05 Cherry. Wow, the lip shade is really so beautiful. You can see in the video, guys. So, इस लुक को मोर ट्रेडिशनल बनाने के लिए यहाँ मैं बिंदी भी अप्लाई कर रही हूँ. So, here is a complete look. Thank you.
आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कीजिए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको मेरी वाइब अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, रेड कलर के बटन को क्लिक कीजिए और क्लिक ऑन, और ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। सो ऐसे ही भी चैनल पर बने रहिए एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू यू ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।